क्या आपको पता है, बस एक कॉफी की वजह से ये एक वेबकैम का इन्वेंशन हुआ है, और रॉक अपना पर्सनल जिम लेके अपने साथ ही चलता है। और क्यों ये आदमी ने ये ब्रिज के ऊपर अपना ये घर बनाया, जानने के लिए वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है इस धरती की सबसे पुरानी चीज क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ, आज से लगभग 53 साल पहले 28 सितंबर 1969 पर एक उल्का पिंड हम लोग का धरती पे गिरा था, और बहुत सारे रिसर्च के बाद पता चला कि वो उल्का पिंड 7 बिलियन ईयर्स पुराना है, मतलब हम लोग का ये धरती से भी ज्यादा पुराना। फैक्ट नंबर 9, क्या कभी आपने सोचा है कि डॉलर जब डी से शुरू होता है तो उसका ऐसा साइन एस क्यों होता है? सो मैं आपको बता दूं, साल 1770 पे ये पहले पेसो के नाम से मशहूर था, तब इसका साइन कुछ ऐसा था। फिर जैसे जैसे पेसो ज़्यादा लगते थे तब वो एस इसमें जुड़ने लगा। फिर जैसे जैसे समय बीता, धीरे धीरे लेजीनेस के चक्कर में पी धीरे धीरे इवोल्यूशन हो गया। आप इस फोटो में देख सकते हैं कैसे कैसे धीरे धीरे इसका टाइम के साथ साथ चेंजेस आया। फैक्ट नंबर 8, पेड़ों के नीचे ऐसा व्हाइट कलर रहता है, ये तो आपने देखा ही होगा, पर ऐसा क्यों किया जाता है? इससे कीटाणु अटैक नहीं करता है पेड़ को। और एक फायदा भी है कि ये पेड़ जो है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो इससे क्या होता है, इसको कोई भी नहीं काट सकता, अगर कोई काटता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है, सजा मिलती है। और एक बात भी है कि पेड़ का जो ये कलर रहता है ये रात को रिफ्लेक्ट करता है, हाईवे के किनारे ये सब पेड़ से रिफ्लेक्ट के कारण एक्सीडेंट होने का खतरा भी कम हो जाता है। फैक्ट नंबर 7, दुनिया भर में ट्रैफिक बढ़ने के चक्कर में एक्सीडेंट का परिमाण भी ज्यादा हो गया है। अगर आपको लगता है कि ये ट्रैफिक कम होने पर एक्सीडेंट कम होगा तो आप गलत है। मैं आपको बता दूं कि साल 1895 ये वो समय है जब पहली बार दो गाड़ी ओवर स्पीड के चक्कर में एक्सीडेंट हुआ था, और सबसे हैरानी की बात ये है कि उस शहर में और ये दोनों गाड़ी के अलावा और कोई गाड़ी था ही नहीं। फैक्ट नंबर 6, रॉग ये अपना पर्सनल जिम लेके चलता है, और इसका जिम काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी इसका एक 100 लोगों का टीम है जो इसका पूरा जिम लेके उसके साथ ही चलता है। अगर रॉक को कोई स्पेसिफिक जगह पे अगर उसका शूटिंग है तो ये जिम वहीं ले जाके असेंबल कर देता है, और वहीं पे ही वो जिम करता है और शूटिंग भी करता है। फैक्ट नंबर 5, ये जो आप फोटो में जो घर देख रहे हैं ये 17th सेंचुरी में एक आदमी छोटे से नाले के ऊपर, एक ब्रिज होता है छोटा सा, उसके ऊपर अपना ये घर बनाया था, क्योंकि उस समय पहली बार लैंड टैक्स चालू हुआ था, तो ये इंसान को अपना लैंड टैक्स ना देना पड़े, अपना घर जिस जमीन पे बना वो टैक्स ना देना पड़े, इसलिए वो ऐसा दिमाग लगा के यहाँ पे घर बनाया था। फैक्ट नंबर 4, वेबकैम का इन्वेंशन बस एक कॉफी की वजह से हुआ था, क्योंकि उस समय जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे वो लोग को कॉफी बनाते समय बार बार उठ के आके देखना पड़ता था कि कॉफी बनाए कि नहीं, इसलिए उन लोगों ने एक वेबकैम का इन्वेंशन किया, ताकि हमेशा वो लोग जब भी कॉफी बनाए तो वेबकैम के दौरान ही वो लोग देख पाए कि कॉफी बनाए कि नहीं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है जापान में सब कोई अपना काम को कितना सीरियस लेते हैं? कोई भी अपना काम पर लेट पे जाए ये किसी को भी पसंद नहीं आता, तो इसलिए वहाँ पर पेट्रो के सामने आकर अगर कोई भी सुसाइड करता है तो उसी के घर वालों को ही सब पूरा जुर्माना देना पड़ता है, क्योंकि उसके वजह से ही पूरा सब कोई का इतना काम पर जाना लेट हो गया। फैक्ट नंबर 2, 1960 ये वो समय है जिस समय कलर टीवी का इन्वेंशन हुआ था, और इसके बाद ही ये कलर टीवी पूरे दुनिया में फैल गया। पर आपको एक कमाल की बात बताऊं कि जब ये कलर टीवी का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब लोगों के ज़्यादातर सपने जो है वो ब्लैक एंड वाइट ही होते थे, पर जब कलर टीवी का इन्वेंशन हुआ उसके बाद ज़्यादातर लोगों के सपने कलरफुल दिखने लगे। क्या आपको ये बात पता थी? तो ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में बताएं। फैक्ट नंबर 1, अच्छा आपने कभी ना कभी सोचा ही होगा कि हम लोग का ये नाखून और ये बाल काटते समय हम लोग को दर्द महसूस क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही चीज़ हम लोग के डेड सेल्स से बनते हैं, तो जो ऑलरेडी डेड से रहते हैं तो उसे काटने पर हम लोग इसलिए कोई भी दर्द महसूस नहीं होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इससे मज़ेदार फैक्ट देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, और मेरे चैनल पे आपको ऐसे बहुत सारे मज़ेदार ब्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे, और अब से आपको फैक्ट वीडियो भी मिलेंगे इसी चैनल पे, तो इसलिए चैनल को फटाक से आप सब्सक्राइब कर लीजिए।